14th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 16 नवंबर को सईदाबाद पुलिस को एक आबाद जारी की है कि वो मजलिसी एमएलए व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवेसी के खिलाफ सेक्शन 153, 153A, 153B और 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज करें और 23 दिसंबर 2019 तक तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में दाखिल करें। एडवोकेट के करुणाकर की दरख्वास्त पर मौजिज अदालत ने ये अहकाम जारी किए हैं। एडवोकेट के करुणाकर ने अदालत को बताया कि 24 जुलाई 2018 को जब वो रिपब्लिक टीवी देख रहे थे, उस पर 23 जुलाई को करीमनगर में मुनक्किदा जलसे याद फकरे मिल्लत से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन अवेसी ने फिर एक बार 15 मिनट का जिक्र किया और आरएसएस के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि वो 26 जुलाई 2018 को सईदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अकबरुद्दीन अवेसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कोई इकदाम नहीं किए। एडवोकेट करुणाकर की इस दरखास्त पर मौजिज अदालत ने अकबरुद्दीन अवेसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करने के अहकाम जारी किए हैं। सुनिए अकबरुद्दीन अवेसी ने करीमनगर में मुनक्किदा जलसे याद फकरे मिल्लत में क्या कहा था। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की, 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अरे ये हिम्मत है, अरे खुदा रा, जब तुम्हारा लीडर ऐसा है तो तुमको भी ऐसे बनना होगा। बनोगे ना? मैं अकेला कुछ नहीं, तुम्हारे बगैर मेरी हैसियत कुछ नहीं, तुम्हारे इत्तेहाद के बगैर मेरी ताकत कुछ नहीं, तुम्हारे दुआओं के बगैर। आओ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम और तुम मिल जाए और इस दुनिया को बता दे कि दुनिया में कोई नहीं जो हमको झुका सके, हमको मिटा सके, हमारी शरीयत को खत्म कर सके।